2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। अगर बात यूपी की करें तो यहां भी 7 चरणों में मतदान होगा। यूपी में देश की सबसे अधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। अब ये जान लीजिए कि किस चरण में यूपी की किस सीट पर वोटिंग होनी है। पहला चरण जो कि 19 अप्रैल को होगा, इसमें यूपी के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोट डाले जाएंगे। दूसरा चरण 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें यूपी के अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोट डाले जाएंगे। यूपी का तीसरा चरण यानी कि 7 मई, इस दिन संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जाएंगे। चौथा चरण 13 मई, जिसमें यूपी के शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में वोट डाले जाएंगे। पांचवा चरण 20 मई को होगा। इस दिन यूपी के मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। छठवां चरण जो कि 25 मई को होगा, इस दिन सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही के लिए मतदान होगा। वहीं यूपी का आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण 1 जून को होगा, जिसमें यूपी के महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, इसलिए राजनीति में कहावत भी है, यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। बाकी चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। यूपी में किसका पलड़ा भारी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए।